everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your June month 2022. June के महीने में अभी आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है, what is coming towards you, what is happening in your career, in your personal life, whatever information the spirit wants to give you, I'm just going to be telling you that. I'm just a mediator here, so I'm just going to tell you what the spirit wants you to know through tarot. So let's just get started with the reading. Hello and welcome to this setting. So ये जो reading है ये आपके zodiac sign पर based है. तो जो ये zodiac signs है, मतलब ये जो signs है Aries to Pisces, आप ये readings जो है, ये monthly readings अपने sun sign से भी देख सकते हो, अपने moon sign से भी देख सकते हो, अपने rising sign से भी देख सकते हो. हर sign जो है, चाहे वो sun sign है, moon sign है, rising sign है, उसका अपना एक महत्व है, उसका अपना एक importance है. जो आपका लग्ना sign, यानी जो rising या ascendant होता है, लगना कह लो, राइजिंग कह लो या फिर असेंडेंट कह लो, एक ही बात है. वो जो साइन होता है वो एक तरह से आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है. लाइक एज यू वर बीइंग बॉर्न, उस पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा साइन राइज कर रहा था स्काई में, वो आपका राइजिंग साइन बन गया, वो आपका असेंडेंट बन गया, वो आपका लगना बन गया. जो चीज़ आपके लग जाए, चिपक जाए, वो जो है उसको कहते हैं तो लग ही गई, चिपक ही गई, उतर ही नहीं रही है. तो सेम गोज इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल. जब आप पैदा होते हो उस टाइम पर आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट आपके लग जाता है, आपके चिपक जाता है, जिसको हम लगना, असेंडेंट या फिर आपका राइजिंग साइन भी कह देते हैं. और उसी तरह राइजिंग नक्षत्र भी है. अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर बॉर्न इन एरीज, लाइक आपका जो लगना है, आपका जो असेंडेंट है, वो एरीज साइन का है. तो एरीज की जो शुरू की डिग्रीज है, लेट्स से यू आर बॉर्न एज एरीज लगना, और एरीज का 2 degrees, तो ये अश्विनी नक्षत्र है, पाधावन ऑफ अश्विनी नक्षत्र. सो उसी तरह सन साइन भी है, मून साइन भी है. सन साइन जो है वो भी इंपॉर्टेंट साइन होता है, क्योंकि सन हमारी आत्मा को शो करता है. सन इज द नेचुरल आत्मा कारका विच रिप्रेजेंट्स यू, इट रिप्रेजेंट्स योर सोल्स पाथ एज वेल. ऑलराइट, तो सन साइन का भी अपना इंपॉर्टेंस है. उसी तरह मून साइन है. मून जो है स्पेसिफिकली भारत में, इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. ये जन्म तारा भी कहते हैं हम इसको. तो जो मून साइन है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है. अगर सन फादर है तो मून मदर है. सन मदर और फादर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, राइट. वो पेरेंटिंग करते हैं मिलके, उस बच्चे की परवरिश करते हैं. तो हम एक तरह से अपने पेरेंट्स, जैसे आपके फादर है, जैसे आपकी मदर है, कुछ कुछ क्वालिटीज़ वो आप में होंगी. तो यानी सन और मून दोनों ही इंपॉर्टेंट है. मून हमारे मन, हमारे स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है. हमारे अंदर जो यू नो फ्लक्चुएशंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, उसका कारण भी मून है और मून की साइकिल है. सिर्फ मून साइकिल से हम किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते. ये तो बिल्कुल ही हवा में तीर मारने वाली बात होगी. ऐसा नहीं होता है. एस्ट्रोलॉजी या प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन मेनी मेनी थिंग्स. वो आपके सन साइन पर बेस्ड होती है, वो आपके मून साइन पर बेस्ड होती है, वो आपके लगना पर बेस्ड होती है. क्योंकि लगना जो है, असेंडेंट है या राइजिंग है, वो आपका, आपकी लाइफ का पूरा एक ब्लूप्रिंट है. उसके बाहर लाइफ नहीं जाएगी, उस ब्लूप्रिंट के बाहर लाइफ नहीं जाएगी. तो वो इम्पॉर्टेंट है. तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा साइन आप सन साइन से देखना चाहते हो रीडिंग, या मून साइन से देखना चाहते हो, राइजिंग साइन से देखना चाहते हो. ये आप पर डिपेंड करता है. आप किस पर जो हो अपना ट्रस्ट दिखाते हो, आपको कौन सा जो है सही रेजोनेट होता है, आप कौन सा चूज करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है. तीनों ही इम्पॉर्टेंट. आप ये रीडिंग्स जो है, मंथली रीडिंग या वीकली हॉरोस्कोप्स जो हो, अपने तीनों साइन से भी देख सकते हो या एक साइन से भी देख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है. तो अब जो आप यहाँ पर रीडिंग्स देखोगे वो जोडियक साइंस पे, अब वो जो है आप सन साइन से भी देख सकते हो, मून साइन से भी देख सकते हो, राइजिंग से भी देख सकते हो. और यस, इट्स अप टू यू. मैं पर्सनली मून साइन कहती हूँ क्योंकि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, और जो मून है वो इंटुइटिव भी है, और ये जो टैरो रीडिंग्स होती है वो इंटुइटिव होती है नेचर में. सन साइन से भी देख सकते हो. सन हमारे सोल के पाथ को रिप्रेजेंट करता है. तो अगेन, अगर आप अपना सोल का पाथ देखना चाहते हो तो सन साइन से एक रीडिंग देख सकते हो. अगर आप अपने मन को लेकर कोई यू नो कन्फ्यूजन में हो, कोई अपने इंट्यूशन से लेना चाहते हो कोई आंसर, तो अपने मून साइन का जो, वो जो साइन है उसकी रीडिंग आप देख सकते हो, सुन सकते हो.
ओवरऑल लाइफ की अगर हम बात करें तो आप अपने लग्ना से, आप अपने लग्ना साइन से, अपने असेंडेंट साइन से रीडिंग्स देख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है. सो बोथ आर तीनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एरीज टू पाइसिस हम जाएंगे. ऑल राइट. हेलो लीब्रा, सो दिस इज योर रीडिंग. आपका जो जून का महीना है वो कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ? ओवरऑल क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए जून के महीने के लिए 2022? जून कैसा रहता है आपका लीब्रा? ऑल राइट. ओके, आई फील दिस कार्ड ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम आउट. सो वी हैव द सेवन ऑफ कप्स एंड आई सी द थ्री ऑफ कप्स एज वेल. लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, लॉट ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनल डेप्थ. ओके, ऑल राइट. आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मुझे स्पिरिट बता रही है, अगर आप रिश्ते के लिए काफ़ी टाइम से एक अच्छा रिश्ता अपने लिए ढूंढ रहे थे और मिल नहीं रहा था, देयर हाई चांसेस कि अब वो आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए. और हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपके पास आए इन द मंथ ऑफ जून, एंड यू आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग समथिंग इन द मंथ ऑफ जून. कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन ज़रूर है इन द मंथ ऑफ जून. मे बी कुछ फैमिली में, फैमिली की वजह से आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कुछ आपने अचीव करा है. बट सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज डेफिनेटली देयर इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू लीब्रा. और कहीं ना कहीं अच्छे रिश्ते आना, कई सारे अच्छे रिश्ते आना. और अगेन सिलेक्ट द रिश्ता ऑन द बेसिस ऑफ कैन आई लिव माई लाइफ विद दिस पर्सन. मतलब एक प्रैक्टिकल होके जो है डिसीजन लेना कि भाई इस पर्सन के साथ मैं पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे डिसीजन लेना. और अगेन जिसके साथ आप एक इमोशनल डेप्थ महसूस करते हो कि हाँ ये पर्सन मुझे इमोशनली समझ पा रहे हैं, उस पर्सन से जो है उस पर्सन को सिलेक्ट करना जो आपको समझ पा रहे हैं, जो आपकी जो सच में आप इमोशनल डेप्थ आपकी समझ पा रहे हैं, जिससे आप इजीली ओपन अप हो पा रहे हो, उस पर्सन को सिलेक्ट करना जो ईजी टू टॉक है, समझ पा रहा है आपको और लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म तक मेरा साथ देगा, उस पर्सन को आपने चूज करना है, उस पर्सन को सिलेक्ट करना है. और अगर ये पर्सन जो है फाइनेंशियली मतलब अच्छे हैं बट इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ पर जाना. क्या ये पर्सन अच्छा आगे इन फ्यूचर अर्न कर सकते हैं, इनके पास क्या वो क्वालिटीज़ हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना. ऑल राइट, ये गाइडेंस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करियर हेयर, विद द एजुकेशन थिंग हेयर. सो आई सी द सेवन ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है करियर में, बहुत सारे काम आ रहे हैं करियर में, चॉइसेस आ सकती है करियर में. और अगेन रियलिस्टिक होके ये चॉइसेस बनानी है, ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं. और ख्याली पुलाव इन द सेंस कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे फिर वैसा कर लेंगे, ज़्यादा ही ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं. डाउन टू अर्थ रह के, ग्राउंडेड रह कर अपने डिसीजंस लेना. और फ्यूचर प्लान्स अगर बनाते हो तो रियलिज्म के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ बनाना. एजुकेशन वाइज जो है यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर नज़र आ रही है, जो धुआं या फिर ये बादल कह लो, थोड़ा क्लैरिटी कम कर रहे हैं. जब आसमान में बादल ज़्यादा होते तो आसमान क्लियर नहीं दिखता, राइट? तो सेम गोज़ विद यू. एजुकेशन में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उसको और क्लैरिटी की यहाँ पर ज़रूरत है. कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई ऑल्सो सी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ सकते हैं, और काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ चल रहा है इन एजुकेशन भी. मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है, एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, कई सारी चीज़ें जिन पर आपको फोकस करना है. इन द मंथ ऑफ जून थोड़ा सा टफ टाइम नज़र आ रहा है एजुकेशन वाइज, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे चैप्टर या काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें क्लैरिटी की ज़रूरत है. तो वन स्टेप एट अ टाइम जो है आपको चलना चाहिए, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है. बट थोड़ा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है एजुकेशन वाइज, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा है. बट अगेन वन स्टेप एट अ टाइम, एक चीज़ में क्लैरिटी लेकर आओ, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर रिविजन करो फर्स्ट की. दैट्स द गाइडेंस. पर्सनल लाइफ में तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आ ही गया है. कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, बातचीत हो रही है, खुशी की बात है, कोई फैमिली में, रोमांटिक लव रिलेशन में कोई खुशी की बात हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है. सो हैप्पी टाइम यहाँ पर जो है फैमिली वाइज नज़र आ रहा है. कुछ और इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओरेकल गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट. क्या हमें जो है स्पिरिट गाइडेंस या इंफॉर्मेशन देना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ
जून, आई फील दैट दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट. ओके, दो कार्ड हैं ये, एक्चुअली नहीं तीन. सो ऐसी वास्ट विस्तार्स, एक्सपैंड योर हराइजन्स. कहीं ना कहीं आपको अपने जो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, ये मेरी बाउंड्री है, मैं इसके बाहर नहीं जा सकता, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम नहीं कर सकता, तो आप बहुत गलत हो. आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई यूनिक काम कर सकते हो. इन द मंथ ऑफ जून आपके पास पूरी कैपेबिलिटी है, पूरी कैपेसिटी है काम करने की, एक्सपैंड होने की, एक्सपैंड करने की. अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते थे, सोच रहे थे कि ये सही समय है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, येस, इन द मंथ ऑफ जून यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस, यू कैन एक्सपैंड योर होराइजन्स. आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, इसकी बड़ी स्ट्रांग इंडिकेशन. और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आप जो हो ज़रूर इन द मंथ ऑफ जून जो हो कर सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव दी पैशन एंड प्लेजर. सेवर योर लाइफ, इंजॉय करो अपनी लाइफ में. जैसे यहाँ पर भी जो है सेलिब्रेशन हो रही है, ये पर्सन जो है कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ये भी डांस और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पर बॉनफायर हो रही है, यहाँ पर लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर जो कुछ देख रहे हैं. कहीं ना कहीं आप कुछ सेलिब्रेट ही करते हो नजर आ रहे हो, म्यूजिक डांस, एक फेस्टिवल का माहौल नज़र आ रहा है इन द मंथ ऑफ जून. और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग रूरल एरियाज भी जा सकते हो, नानी दादी के घर जा सकते हो या रूरल एरियाज में जा सकते हो और वहाँ जाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो, फार्म हाउस जा सकते हो अपने और वहाँ इंजॉय कर सकते हो. एंड येस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू ऑल. नेक्स्ट अप आई सी द आंसरिंग द कॉल. जैसे ये पर्सन एक दरवाजे से कहीं जा रहे हैं, सो समहाउ आई डू सी सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल. ओके, आई डू सी सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल कमिंग अप इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू वर्गो, एक्चुअली नो लीब्रा. सो दैट्स देयर, समथिंग इज हैपनिंग फॉर यू लीब्रा इन द मंथ ऑफ जून रिलेटेड टू ट्रैवल. एंड येस, द टाइम इज़ नाउ. अगर आप सोच रहे थे कि ये काम मुझे अभी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, काम अभी के अभी जून के महीने में आपको करना चाहिए. एंड येस, दिस इज द टाइम इज़ नाउ, द टाइम इज़ नाउ. ये अब आपका समय आ चुका है, अपना टाइम आ गया है. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. ये जो समय है जून का, ये आपकी फेवर में काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. सेलिब्रेशंस आ रही हैं, आप अपना बिजनेस जो हो एक्सपैंड कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हो, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हो. दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन, एक्सपैंडिंग योर हराइजन, गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नोइंग डिफरेंट थिंग्स, एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, एक्सपैंडिंग योर नॉलेज, स्प्रेडिंग योर नॉलेज टू अदर पीपल एज वेल. वो भी आप काम कर सकते हो, बट कुछ सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून लीब्रा. ऑल राइट, सो यप, दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू एंड हाउ इट रेजोनेट्स विद योर फ्यूचर प्लान्स, प्लान्स फॉर जून. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, agar aap personal reading book karana chahte hain, to jo लिंक है मेरी वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहाँ जाकर आप अपने लिए एक एस्ट्रो टैरो रीडिंग या फिर नक्षत्र कुंडली रीडिंग बुक करा सकते हो. अगेन द लिंक टू माई वेबसाइट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड येस, द ब्रेसलेट्स. सो ये हैंडमेड ब्रेसलेट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं. मैं जल्दी इनको अपनी वेबसाइट पर लॉन्च करूँगी, आप वहाँ से अपने लिए ले सकते हो ये ब्रेसलेट्स. सो आई मीन दीज आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स हेयर. इवन जो ये गोल्डन बीड्स है, गोल्डन स्टोन्स है, ये हेमिटेट हैं और इट हैज़ देयर ओन सिग्निफिकेंस. ये गोल्ड हेमिटेट ख़राब नहीं होते पानी से, बिकॉज आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड देम, ये ख़राब नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सेमी प्रेशियस है. अगेन कोई भी जो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स. इनका अपना ही कलर और अपनी ही एनर्जी होती है. जो सारी क्वालिटीज़ है वो सब मैं अपनी वेबसाइट पर आपको बताऊंगी. अगेन दिस इज़ क्राइसोकोला, वन ऑफ माई फेवरेट स्टोन्स. एंड देन दिस इज़ द सनस्टोन, दिस इज़ इंडियन अगेट, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल stone, I mean beautiful bracelet. And then I see this is the blue aventurine, or phir ye jade hai, green jade. So yep, you can get more variety of bracelet on my website. जल्दी ही मैं लॉन्च करूँगी और आपको बताऊँगी कि अब ये लॉन्च हो चुके हैं. अगेन लिमिटेड स्टॉक्स, बिकॉज अगेन ये हैंडमेड है, मैंने बनाया तो कम स्टॉक्स हैं,
बट लेती आऊँ, मतलब और भी सारे जो है इनके स्टॉक्स बनाती रहूँगी मैं, लेकर आऊँगी मैं। अगेन जो ये स्टोन्स होते हैं ये भी इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें भी डिलीवरी में भी जो है स्टोन्स की डिलीवरी में भी टाइम लगता है एंड अगेन बनाने में भी टाइम लगता है। सो थोड़ा स्लो हो सकता है प्रोसेस, बट जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी एंड काफ़ी कुछ तो बना चुकी हूँ। जल्दी वेबसाइट रेडी होती है तो मैं अनाउंस करूँगी, आपको बताऊँगी इंस्टाग्राम पर जो भी बताऊँगी, तो फॉलो मी देयर एंड इवन यहाँ पर यूट्यूब पर भी आपको बताऊँगी। ओके, सो जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन एंड येस दैट वॉज इट। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू लीब्रा, दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन फॉर यू लीब्रा एंड आई शेल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।